किसी भी वीडियो में उसकी वीडियो से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका ऑडियो। तो आज मैं आपके लिए एक माइक लेकर के आया हूँ जो बेसिकली व्लॉगिंग के लिए और आउटडोर्स के लिए बेस्ट सुटेड है। तो ये माइक्रोफोन का नाम है बोया BY MM1। उसके साथ ही मैं एक और माइक अभी जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है BY M1। उसका भी बॉक्स मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से BY M1 BY MM1। डोंट गेट कन्फ्यूज, दोनों ही अलग अलग टाइप के माइक्रोफोन से। ये बेसिकली एक लैवेलियर माइक है जो यहाँ पर लगा कॉलर में लगा के यूज़ किया जाता है और ये आउटडोर्स के लिए है बेसिकली। दोनों ही माइक्स हैं बट फिलहाल के लिए हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पर हमारे पास दोनों ही माइक्रोफोन्स हैं और ये बेसिकली पुराना वाला माइक है जिससे अभी आप ऑडियो सुन रहे हैं, इसको रखते हैं साइड में और फिलहाल के लिए हम इस माइक्रोफोन पर नज़र डालते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये माइक लिया क्यों बेसिकली, क्योंकि एक DSLR माइक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाई अ DSLR। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ ही कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली इसकी प्राइसिंग जो है 2,500 से 3,000 के आसपास ऑनलाइन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी, बट ऑफलाइन ट्राई करेंगे तो आपको और सस्ते में भी मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो बॉक्स कंटेंट के नाम पे हमें कुछ ये मिलता है, इसके अलावा कुछ और देखते हैं। हाँ, सो हमें एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलता है। सो ये कुछ इस तरह का यूज़र मैनुअल है, क्विक स्टार्ट गाइड है, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सो ठीक है, फिलहाल के लिए इसे भी हम रख देते हैं साइड में बॉक्स के साथ और हमारे मेन कंटेंट पर नज़र डालते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर अपना देखने को मिलता है बेसिकली मेन जो माइक्रोफोन है, ये है माइक कुछ इस तरह से। इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉप फिल्टर भी देखने को मिलता है। सो फिलहाल इसको साइड में करते हैं। ये कुछ इस तरह से जो है मेन माइक्रोफोन है बोया का BY MM1। ये बेसिकली रोड के वीडियो माइक्रो की तरह ही है और कुछ इस तरह का कॉपी है, बट ये थोड़ा सा सस्ता है सो मैंने ये बाय किया। वीडियो माइक्रो थोड़ा सा कॉस्टली है। सो हम जो है इसे फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं और ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है जो DSLR के ऊपर माउंट होगा और उसके ऊपर जो है ये माइक कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट होगा बेसिकली मेरे हिसाब से, तो कुछ इस तरह से। सो ये कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा, ये माइक कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, इनको रखते हैं साइड में और हमें एक जो है इसका बैग देखने को मिलता है कैरी करने के लिए। उसके अलावा कुछ ऑक्स केबल्स, ये जो है बेसिकली कनेक्टर्स हैं। ये जो कनेक्टर है ये DSLR के साथ कनेक्ट करेगा और ये जो है इसको जो है स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये बेस्ट चीज़ है एक्चुअली इस माइक को लेने के लिए, ये भी वन ऑफ द रीजंस है, क्योंकि आप जो है DSLR और स्मार्टफोन दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट कनेक्टर्स मिलते हैं। अगर आप रोड का वीडियो माइक्रो लेंगे तो उसके लिए आपको एक सेपरेट कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन सेपरेटली देखने को मिल जाते हैं। और अभी जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी भी खास बात यह है कि यहाँ पर भी आपको जो है स्लाइडर देखने को मिलता है, इसको आप स्विच कर सकते हैं DSLR मोड और स्मार्टफोन मोड में। तो ये बोया के माइक्रोफोन्स को खास बना देती है ये कुछ ऑप्शन है कि आपको स्मार्टफोन और DSLR दोनों के लिए कंपैटिबल माइक्रोफोन्स बनाते हैं ये। तो अनबॉक्सिंग तो बहुत हो गई, अब करते हैं एक्चुअल ऑडियो टेस्ट इस माइक्रोफोन का। सो गाइस, अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, जैसे कि आप फील कर सकते हैं पास और दूर लेकर जा रहा हूं मैं। तो इस वीडियो की वजह से आप जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं ऑडियो क्वालिटीज़ की डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोफोन्स की। तो अब जो है मैं इस माइक्रोफोन को निकाल देता हूं यहां से हेडफोन जैक से और मैंने इसे निकाल दिया। तो अब जो ऑडियो क्वालिटी आपको सुनाई दे रही होगी, ऑडियो क्वालिटी आई मीन आपको पता चली होगा डिफरेंस, तो ये जो है डायरेक्टली ऑनबोर्ड माइक्रोफोन से आ रही है। तो हम इस माइक्रोफोन की टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कंपैरिजन भी मिल जाएगा। तो हमें ये जो है हेडफोन वाला कनेक्टर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन लिखा हुआ है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। और इसे जो है हमको यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो माइक्रोफोन है इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है। सिंपली इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और दूसरा जो इसका दूसरा पार्ट है ये हमारे हेडफोन जैक में कनेक्ट कर देना है। तो ये जो बोया के माइक्रोफोन है इनके साथ एक और प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम बोल सकते हो या जो भी है, ये डायरेक्टली कई बार जो है आपके डायरेक्ट जो सपोर्ट नहीं करते, तो आपको जो है एक थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ओपन कैमरा डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हैं अभी ये इस माइक्रोफोन से डायरेक्टली आ रही है और मैंने आपके सामने प्लग इन किया। उसके साथ साथ ही मेरे पास जो इसका ये जो माइक्रोफोन है मेरे हाथ में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही रिकॉर्ड कर रहा है अभी की फ़िलहाल की ऑडियो। और ये जो है यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा सा आ सकता है, करीब करीब 1 फिट का इसके जो केबल की लेंथ है। और यहाँ पर हमारे पास इसका पॉप फिल्टर है। तो पॉप फिल्टर अप्लाई करने के बाद क्या सडन चेंज देखने को मिलता है ज़रूर से बताइएगा। सो पॉप फिल्टर मैं जो है इसमें कर देता हूँ। यस, अब जो है पॉप फिल्टर भी अप्लाई कर दिया। अब जो ऑडियो आ रही है एक्चुअल ऑडियो है, यही स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। DSLR नहीं, आने वाले टाइम में DSLR भी आ जाएगा तो उसकी भी ऑडियो क्वालिटी आपको सुनने को मिल जाएगी फ्यूचर वीडियोज़ में। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन सकते हैं कुछ इस तरह से, तो
खुद जज कर सकते हैं किस तरह की ऑडियो क्वालिटी। और फिलहाल एक्चुअली जो है ये जो माइक्रोफोन है ये आउटडोर्स के लिए बना है, तो हम जो है टेस्ट करेंगे आउटडोर्स में, क्योंकि इंडोर्स में तो हमें पता ही नहीं चलेगा, व्लॉगिंग के लिए आउटडोर्स की ज़रूरत है। तो आउटडोर्स में चेक करके बताता हूँ मैं किस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको सुनने को मिलती है। सो गाइस फिलहाल मैं हूँ आउटसाइड और यहाँ पर रोड साइड एरिया में हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड है तो यहाँ पर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक्चुअल ऑडियो टेस्टिंग होने वाली है इस माइक्रोफोन के, किस तरह से ऑडियो काम कर रहा है अभी आप सुन सकते हैं इसकी ऑडियो। और मैं आपको कुछ और सैंपल्स दिखाता हूँ ऑन रोड पे और क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है इस माइक्रोफोन में। तो गाइस कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको सुनने को मिलती है इस माइक्रोफोन से, और व्लॉगर्स के लिए काइंड ऑफ ये परफेक्ट सेटअप बन जाता है। तो अगर आप 2-2.5 हज़ार के आसपास एक माइक्रोफोन देख रहे हैं जो आपको आउटडोर्स में काम आए, तो दिस इज़ काइंड ऑफ परफेक्ट फॉर यू। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक देखा तो डू गिव दिस थम्स अप और सब्सक्राइब करके जाइएगा साथ ही साथ उसी तरह के ऑसम कंटेंट के लिए। दैट्स ऑल, बाय।